हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार एंड शानदार होने वाली है, क्योंकि गाइस जो आज इस ओनर ने इसके प्राइस की डिमांड करी है वो बहुत ही कम करी है। अगर आपने वीडियो स्टार्ट करी है तो प्लीज इसके प्राइस जरूर सुन के जाना, क्योंकि गाइस लॉकडाउन की वजह से डॉग के प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई हो चुके हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइस मैं वीडियो के एंड तक आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इसकी एज, प्राइस एंड लोकेशन के बारे में। एंड गाइस मैं आपको इनके मदर एंड फादर की मीटिंग वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, तो गाइस वीडियो को कम्प्लीटली देखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ गाइस, जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाल कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हर्ष आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके चैनल डॉग वर्ल्ड पे। तो गाइस आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए बहुत ही पावरफुल, मस्कुलर एंड एनर्जेटिक डॉग ब्रीड, जो कि है डोबरमैन। यस गाइस, डोबरमैन के पपी की क्वालिटी आप देख सकते हैं, फुल शानदार क्वालिटी के ये पपीज हैं। एंड गाइस इसमें आपको मेल एंड फीमेल दोनों ही अवेलेबल हो जाएंगे ओनर के पास। बाकी गाइस क्वालिटी आपके सामने, क्वालिटी बहुत ही ज्यादा शानदार, आप क्वालिटी देख सकते हैं, फुली एक्टिव पपी है। बाकी गाइस अभी जो है ये खाली बुकिंग के लिए अवेलेबल है, क्योंकि गाइस अभी ये 26 डेज के हो चुके हैं। आप इनको बुक करा के 32 या 30 अबव डेज पर आप ले सकते हैं, क्योंकि गाइस जितना इनको मदर मिल्क मिलता है उतने ही ज्यादा एक्टिव होते हैं और आगे इनको बहुत ही हेल्प मिलती है। बाकी गाइस पपी की क्वालिटी आप देख सकते हैं, अभी ये खाली 26 डेज ओल्ड के पपी हैं। एंड गाइस ओनर ने इनकी टेल क्रॉपिंग करा दी है। बाकी गाइस ये आप इनकी मदर भी देख सकते हैं, मदर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, फादर मैं आपको वीडियो के एंड तक दिखाई दूंगा। बाकी गाइस अगर आप एक ऐसी डॉग ब्रीड चाह रहे थे कि आपके फैमिली मेंबर के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल हो और आपके गाइडिंग पर्पज से बहुत ही ज्यादा काम आए, तो गाइस डोबरमैन बहुत ही ज्यादा परफेक्ट डॉग ब्रीड है आपके गाइडिंग पर्पज से लिए। तो गाइस गाइडिंग के लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और गाइस आपके फैमिली मेंबर के लिए भी बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं। आपके घर में छोटे छोटे बेबी हैं, आप सोचे कि उनको हार्म पहुंचाएंगे, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस गाइस आप इनको परचेज कर दो, गाइस आप इनकी रनिंग का जरूर ध्यान रखें, सुबह तो आप इनको वन टाइम रनिंग तो जरूर कराएं, क्योंकि गाइस ये बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक डॉग ब्रीड होती है। बाकी गाइस गार्डिंग पर्पज से तो आपको कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी गाइस जो इनका कोट रहता है वो शॉर्ट रहता है, स्मूथ कोट रहता है, तो गाइस आपको हेयर की भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि गाइस अगर आप एक बालों वाली ब्रीड को लेते हैं तो गाइस उनके बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं, मतलब हेयर टूटते हैं, आपको हर जगह बाल देखने को मिलेंगे। बट गाइस इसमें आपको ऐसा कोई भी चीज देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि गाइस डोबरमैन, पिटबुल, रॉटवाइलर इनके जो कोट होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, तो गाइस इनको हेयर फॉल की दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और बाकी गाइस मस्कुलर डॉग ब्रीड है, अगर आप एक लार्ज डॉग ब्रीड में जाने वाले हैं तो गाइस परफेक्ट डॉग ब्रीड है आपके लिए। बाकी गाइस ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप देख ही सकते हैं, इस पे भी आपको ओल्ड डॉग ब्रीड अवेलेबल हो जाएगी, ओल्ड डिटेल के साथ, इसकी एज, प्राइस एंड लोकेशन के साथ। तो गाइस मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं यूट्यूब पे सारी वीडियो अपलोड कर पाऊँ, तो गाइस जो वीडियो मेरे से रह जाती है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जाइए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कीजिए। गाइस आपने पप्पी की क्वालिटी तो देख ली है, फुली शानदार क्वालिटी का पप्पी है, अब आप इनके मदर फादर की मीटिंग वीडियो देख लीजिए, गाइस मदर एंड फादर की क्वालिटी बहुत ही सुपर है। बाकी गाइस आप ओनर के होम जाके विजिट जाके परचेज कर सकते हैं, मदर आपको ओनर के होम पे ही मिल जाएगी। तो गाइस ये होम ब्रीडिंग के पप्पीज है, तो गाइस बहुत ही अच्छा मौका है। तो चलिए गाइस अब आते हैं फाइनली इसकी एज, प्राइस एंड लोकेशन के ऊपर। तो गाइस जो इन पप्पी की एज हो चुके हैं वो मैंने आपको बताई दिया, 26 डेज ओल्ड के पप्पी हो चुके हैं। एंड गाइस जो इनकी लोकेशन है वो है लोनी गाजियाबाद, जैसे आपको लोनी गाजियाबाद में अवेलेबल हो जाएंगे, बट एग्जैक्ट लोकेशन तो आप ओनर से ही कंफर्म कर सकते हैं। ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ओनर कॉन्टैक्ट नंबर करके आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं ओनर को पप्पी को परचेजिंग के रिगार्डिंग। बाकी गाइस इसमें आपको डिलीवरी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, आपको ओनर के होम जाके विजिट जाके परचेज करना पड़ेगा। गाइस मेरा सजेशन तो यही रहता कि आप ओनर के होम जाके विजिट जाके परचेज करें, वहां पर आपको पप्पी की क्वालिटी आप देख सकते हैं लाइव, एंड इसके बारे में भी थोड़ा ओनर से डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब आते हैं फाइनली इसके प्राइस के ऊपर। तो गाइस जो ओनर ने इसके प्राइस की डिमांड करी है वो फीमेल की करी है 10,000 रुपीज, यस गाइस 10,000 रुपए, एंड जो मेल की डिमांड करी है वो की है 12,000 रुपीज, यस गाइस 12,000 रुपए। गाइस प्राइस बहुत ही जेन्युइन की क्वालिटी के हिसाब से, आपको इनके प्राइस कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी गाइस ओनर से आप थोड़ा बहुत प्राइस नेगोशिएबल कर सकते हैं, ओनर नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए बात कीजिए ओनर के रिगार्डिंग। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे करें, क्योंकि गाइस आपको हमारे चैनल पे ऐसे डॉग को परचेजिंग एंड सेलिंग के ऊपर वीडियो मिलती रहेगी एंड फिर एडॉप्टेशन के ऊपर। तो आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। तो गाइस अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गाइस बाय बाय।